लर्निंग टाइम में आज हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो भर्ती निकली है नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी निकली है, जिसमें LDC UDC की भर्ती निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपकी सैलरी होगी, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, किस तरीके से आप जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं देखिए इसके कैरियर सेक्शन में। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे आप जाएंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस तरीके से वैकेंसी देखिए, टीचर की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी UDC LDC की आपको CLT की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा पढ़कर, ठीक है। पर इसकी आपको स्टडी करने से पहले, नोटिफिकेशन की बताने से पहले मेरी, तो फ्रेंड मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड मैं आप लोगों के डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब और कैरियर रिलेटेड जानकारी और वीडियो अपडेट करता रहता हूँ, जिसके माध्यम से आपको लर्निंग टाइम के माध्यम से डेली गवर्नमेंट जॉब और करियर रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहती हैं। फ्रेंड आपको यह वीडियो हेल्पफुल है या पसंद आया है या अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और करियर रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहें, ठीक है। तो फ्रेंड हम बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी उसके बारे में, इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर इन्वाइट करता है, एप्लीकेशन आपका सिलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपका UDC LDC आपका जो रिसेप्शनिस्ट एंड कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी, जो कि 3 साल की रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। यहाँ पे आप मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे एक सिविलियन लेडी रिटायर्ड या रिलीज वुमेन ऑफिसर या ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस विल बी गिवन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स या MBA। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रेफरली इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर एंड लीगल एस्पेक्ट, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड अकाउंटेंट नॉलेज आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश और आपका हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी 45,000 रखी गई अप टू 55 आपकी एज रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स आर्मी रिटायर्ड है लीज ऑफिसर इन रैंक में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेफरेबली ग्रेजुएट लेवल आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज आपका यूनिवर्सिटी प्रेफर नॉट आपका मैंडेटरी सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपकी 59 रखी गई है। UDC की बात करें 1 वैकेंसी BCOM या 15 साल का सर्विस आपका एज ए क्लर्क, जिसमें आपका ESM या कंप्यूटर लिटरेचर MS ऑफिस टैली ETC के आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर से भी 12,000 की डिप्रेशन आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और रिलेवेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड बाय स्कूल, 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका एक क्लर्क एंड अकाउंटेंट क्लर्क रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरली। 27,000 सैलरी है, आपका फ्रेश कैंडिडेट है तो आपका या बिलो 40 एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो यहाँ पर इंक्लूडिंग आपका जो रखा गया है यहाँ 57 रखा गया है, ठीक है। LDC की बात करें 2 वैकेंसी ग्रेजुएट या 10 ईयर सर्विस होने जैसे क्लर्क, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेचर आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपका MS ऑफिस या की आपके जो की डिप्रेशन 12,000 है और बेसिक नॉलेज आपकी अकाउंटिंग की होनी चाहिए। 21,030 आपकी 300 सैलरी है। आपका रिसेप्शनिस्ट की 1 वैकेंसी ग्रेजुएट और या 10 ईयर की सर्विस होनी चाहिए, कंप्यूटर लिटरेसी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस 12,000 की डिप्रेशन है। CLT यानी कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की बात करें 1 वैकेंसी है, 10+2 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस और नॉलेज आपको हार्डवेयर और प्रिफेली और नेटवर्किंग। 23,400 आपकी सैलरी रखी गई है, ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पे आपको डाउनलोड कर दें, इसकी वेबसाइट से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 100 रुपये सर्टिफिकेट आपका DD बनेगा जो फेवर आर्मी के जयपुर के लिए जो आपको सेंड करना है, ठीक है, 28 जून 2021 से पहले। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आपके ईमेल के द्वारा नहीं भेजना है, यहाँ पे बता रखा है। इंटरव्यू आपका जो हेल्ड रखा गया है एंड ऑफ जून 2021, कन्फर्म डेट इन्फॉर्म थ्रू मेल मोबाइल के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल रिजर्व राइट टू फेल आपका नन ऑफ द पोस्ट एज ऑन वेबसाइट, ठीक है। तो बाकी आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो नीचे देखिए आपको जो फॉर्म है यहाँ पे आपको फॉर्म डाउनलोड करने को मिल जाएगा, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस लिंक पर क्लिक किया तो ये आपका ये फॉर्म सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म है आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का है और CLT का यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दे सकते हैं ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है, यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ का पोस्ट है, जहाँ पे
सन ऑफ डॉटर वाइफ, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट, एड्रेस, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल जिसमें लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रेजेंट आपका आपका प्रेजेंट और प्रीवियस ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन पोस्ट क्या है, नेम, एड्रेस, इंस्टीट्यूट जहां आप काम करते थे, डेजिग्नेशन सुपरवाइजर जो था उसका चार्ज का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर उसका, ठीक है, पीरियड ऑफ आपका नोटिस यू हैव टू गिव इफ यू सिलेक्टेड, कितने समय आप आ सकते हैं, व्हाट सैलरी आपकी क्या सैलरी है, फैमिली लाइफ यहाँ पे शादीशुदा है यानी इसके बारे में बताना है, ठीक है, नेम हो आपके जब शादीशुदा है तो अपनी वाइफ का नाम, कितने चिल्ड्रन है विद आपका एज ऑनगेस, आपको मेल फीमेल जो है उनके बारे में बताना है, ठीक है, अपने बच्चों के बारे में, एजुकेशन आपका रिकॉर्ड है यहाँ पे बताना है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन जो पास किया है जैसे 10th 12th और यहाँ पे आपका मार्क ऑप्टेन क्या है, परसेंटेज क्या है, डिवीजन क्या है, कब सन में पास किया, सब्जेक्ट क्या थे, नेम यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, आपका यहाँ पे बताना है, कॉरेस्पॉन्डिंग था रेगुलर था यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, लैंग्वेज आप रीड राइट स्पीक कर सकते हो फ्लुएंटली, उसके बारे में आपके एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है, ऐसे अकाउंटेंट के बारे में कब से कब तक काम किया है, इंस्टीट्यूट का आपका कंपनी का नाम, टोटल ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया, हेल्थ रिलेटेड आपका कंप्यूटर नॉलेज, अदर एक्टिविटी यहाँ पे आपको बतानी है, इस तरीके से आपका फॉर्म है, ये आपको फॉर्म को फिल करके, दोनों का सेम है, चार्ट आपका पेज का है, तो ये फॉर्म को आपको फिल करके आपको भेजना होगा, यहाँ पे आपको देखिए एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करेंगे, आपको फिल करना है, ठीक है, एप्लीकेशन आपको आप बाय हैंड या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस 100 रुपए का आपका फेवर आर्मी पब्लिक जयपुर फेवर रहेगा, तो इस आपको कोड यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको 5078 दे रखा है, तो इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे फॉर्म को भेजना होगा, तो फ्रेंड यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको फॉर्म को, और ये आपका जो आपकी जो नोटिफिकेशन यहाँ से आप दे सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो फ्रेंड ये थी आपकी वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर की, अगर टीचर की वैकेंसी जाते हैं तो इसकी आपकी टीचर की वैकेंसी के बारे में बता चुका हूँ, अलग से वीडियो बना चुका हूँ सेपरेट, तो ये थी आपकी UDC LDC के बारे में, वीडियो अच्छा लगा है या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्निंग टाइम को, डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब से और सब करियर रिलेटेड जानकारियों के लिए अपडेट के लिए, अगर आप हमें कुछ सुझाव या आपको पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में या हमारे सोशल मीडिया के लिंक पर पूछ सकते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।